ड्रैगन पतंग के मांझे के रूप में देश में मौत की डोर भेज रहा है। पिछले कुछ सालों में कानपुर सहित कई शहरों में चीनी मांझे से लोगों की गर्दनें कटी हैं। इनमें से कुछ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा तो कुछ मरने से बाल बाल बचे। डॉक्टर भी उनकी जान इसलिए बचा सके कि घायल समय से अस्पताल पहुंच सके। कानपुर के दिनेश के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दिनेश अपने भाई रितेश के साथ खेतों में कुछ काम कर रहा था कि अचानक उसके गले में पतंग का मांझा फंस गया, जिससे उसकी गर्दन कट गई। रितेश का भाई इसको चकेरी के काशीराम ट्रॉमा सेंटर लेकर आया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन खून बंद न होने के कारण डॉक्टरों ने उसको हेल्थ अस्पताल रेफर कर दिया। अरे वो हम लोग खेतों में थे, वो मंझा जो है आया है और उसके गर्दन को उड़ा दिया है। दिनेश को मेरे भाई है। अच्छा, कहाँ से आए? हम लोग आए हैं अलौलापुर है, हमारा जो है सरकारी फार्म खेत है ये। अच्छा, कौन सा मंझा था, कुछ है जानकारी? अरे हाँ, वो बिल्कुल हमने हाथ से पकड़ा, लेकिन उतनी देर में लेट, वो चाइनीज मंझा था। यहाँ पट्टी अट्टी कर दी है, बोल रहे हैं हाईलाइट लेके जाओ। कानपुर में पतंग के कारोबारी भी कह रहे हैं कि बरेली से जो मांझा आता है वो बहुत अच्छा होता है और कॉटन धागे पर चावल की मांड मिलाकर बनाया जाता है, जबकि चाइनीज मांझा नायलॉन की डोर पर हानिकारक केमिकल मिलाकर बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो जानलेवा साबित होता है। जो बरेली से मांझा आता है वो तो बहुत ही अच्छा मांझा होता है, उड़ने के लिए भी अच्छा है। वो कॉटन पे बना होता है, सीधा धागा चावल से सुता हुआ था, थोड़ी बहुत कांच मिलाई जाती है, वो अच्छा होता है जो बरेली से मांझा आता है। हम लोग वही मंगा के बेचते हैं। चाइनीज मांझा वो हानिकारक है, वो हम लोग बेचते भी नहीं, हम लोग लाइक भी नहीं करते। वो हानिकारक हो सकता है क्योंकि वो मोटा बना होता है थोड़ा से, उसमें जो केमिकल मिला होता है वो अलग टाइप का होता है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पतंग प्रेम किसी से छिपा नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कई रंगों वाले पतंगी कागज को बनाने के लिए कारखाने शुरू करा दिए थे, जिसका जिक्र उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने भाषण में भी किया। लेकिन अब सवाल ये है कि अपने देश में बनने वाली पतंग की डोर को बढ़ावा देने के लिए वो क्या करने जा रहे हैं। न्यूज़ ब्यूरो।